अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज फेस पैक। ये आपके स्किन को ग्लो देगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ हमारे पास सबसे पहले है ऑरेंज पील पाउडर। ये आप घर पे भी बना सकते हैं वरना आप किसी पंसार शॉप से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास है 1 टीस्पून बेसन। बेसन भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून दही। ये 2-3 दिन पुराना होना चाहिए, थोड़ा खट्टा दही यहाँ पर हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये मेरा भी 3 दिन पुराना दही है। ये आपने 1 टीस्पून दही लेना है, इसके साथ 1 टीस्पून आप ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम और हमारे पास ये एलोवेरा जेल है, 1 टीस्पून यहाँ पर एलोवेरा जेल लेना है। यहाँ सब चारों चीज़ों की क्वांटिटी, पांचों चीज़ों की सॉरी, सबकी इक्वल है। 1 टीस्पून आपने सब यूज़ करना है। ठीक है, अब एक बाउल में आप इन सब चीज़ों को डाल दें। ये आपके पास 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर है। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेसन, और ये 1 टीस्पून बेसन है आपके पास और 1 टीस्पून दही है हमारे पास। ठीक है, ये 1 टीस्पून दही ऐड करा। इसमें आपको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर आप ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, मॉइस्चराइज करेगा और विंटर में बहुत अच्छा होता है ग्लिसरीन। ये देखिए, हमने 1 टीस्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से आप मिक्सअप कर लीजिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा भी थिक है। इसमें जब एलोवेरा जेल आप ऐड करेंगे तो अच्छा सा आपको एक पेस्ट सा बन जाएगा, एक फेस पैक सा फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हमें एलोवेरा जेल ऐड करना है इसमें। ये देखिए, अब इसमें हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप इसमें यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी भी 1 टीस्पून ही आपने ऐड करना है, लेकिन वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा तो देख के ऐड करिएगा। ठीक है, ये देखिए, आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करा। ये देखिए, ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये इसमें ये देखिए, ये बहुत अच्छा पैक होता है। आप इसको वीक में 2 दफ़ा लगा सकते हैं। ये आपके स्किन को वाइट टोन पे लेके जाएगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, शाइन आपके पास आएगा स्किन में। अब यहाँ पर विंटर सीजन है तो मैं यहाँ पर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी इसमें ऐड करूँगी। आप 10 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल, कि आपके स्किन ड्राई ना हो, स्किन मॉइस्चराइज रहे। और आप इसको 10 मिनट्स लगा के अपने स्किन पे, और 10 मिनट्स बाद आप ये हल्का सा ड्राई होने लग जाए तो हल्का हल्का रब करते जाएं, आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाएगी, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। ये देखिए, हम इसमें यहाँ पर हमारे पास यहाँ मैं 5-6 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ इसमें एसेंशियल ऑयल के। ये देखिए, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल लेना है हमने। ये आपके पास अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। आप इसको, ये बहुत अच्छा पैक है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको ये अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपके स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और आप देखें बहुत अच्छे से आपके स्किन पे एक ग्लो आएगा, शाइन आएगा और स्किन वाइट टोन पे भी जाएगी। और अगर किसी के पिंपल्स वगैरह फेस पे हैं तो जस्ट इसको लगा के रब मत करिएगा, सादे पानी से इसको धो लीजिएगा। ठीक है, आपको मेरी रेसिपीज़, रेमेडीज़ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।